मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के निमित्त मंगलोर विधानसभा प्रत्याशी ग्राम भगवानपुर, चंदनपुर, खेड़ाजट, नगला सलारू एवं मंगलोर स्थित मोहल्ला चमारान में जाकर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर हर गांव में भारी संख्या में ग्रामवासी विधानसभा प्रत्याशी करतार सिंह बडाना को सुनने पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी करतार सिंह बडाना ने कहा कि वे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले हैं और जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते। इस अवसर पर पूर्व हरिद्वार सांसद हरपाल साथी, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, कृषि राज्य मंत्री गणेश जोशी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की वरिष्ठ नेता सीमा जावेद, भाजपा नेता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बच्चन सिंह आर्य, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह, भाजपा नेता दिनेश पवार और ब्लॉक प्रमुख कविंदर चौधरी सभी ने मंगलोर के निवासियों से आने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिससे मंगलोर क्षेत्र का विकास हो सके। जी सर, आज जो कार्यक्रम है चंद्र भगवानपुर चंद्रपुर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे भगवान ने चंदन भेजा है वो ये गांव है, भगवानपुर चंदनपुर। और चंदन तो कहते हैं कि चंदन से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। जहाँ पे चंदन हो वहाँ पे विकास होता है। लेकिन हमारा भाग्य है कि हम वो पूरा चंदन यहाँ उगा नहीं पा रहे। जैसे यहाँ की जनता ने बहुत जज्बात में होकर भाषण भी दिया, आपके समर्थन में कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह पाऊंगा कि मुझे आज तक कोई खरीद नहीं पाया, लेकिन भगवानपुर चंदनपुर ने मुझे खरीद लिया। मेरी किसी से टक्कर, मैं टक्कर के नहीं, मैं तो ये टक्कर मानता हूँ जिसको आप लोग चाहेंगे, जिसके कार्य करने के ऊपर वाले ने आदेश दिए वो ही कर पाऊंगा। ये तो आपको पता होगी, वो तो उनसे पता है खूब कि हम तो भाई बीजेपी के लोग हैं और ईमानदारी की राजनीति करते हैं। अब वो जाने कौन मिल के लड़ रहा है या कौन ना मिल के लड़ रहा है, लेकिन ये बात जरूर है मेरे को प्यार तो सब कर रहे हैं, चाहे हरिजन भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, ये वाल्मीकि भाई हो। और तुम्हारे असल में आपको आज तक जो है ना नेता मिले, कोई जवान का बेटा नहीं मिला। मैं बेटा बन के आया हूँ, मैं जो जवान करता हूँ वो पूरी करूँगा। अगर मालिक ने मुझे वक्त दिया तो मैंगलोर को बेंगलोर बनाने का वादा किया है ना, वो पत्थर की लकीर समझना आप। और अगर वो चाह रहा था ये होगा। जो हमारे कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के श्री करतार सिंह बडाना जी, उनकी हर गांव में हर जगह सभाएं हो रही हैं, उसी के मुताबिक आज भगवानपुर चंदनपुर में आए हैं। लोगों बागों ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ उनका स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ। और आपकी पार्टी की तरफ से जो संघर्ष चल रहा है उसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखेंगे बड़ाने जी को जिताने के लिए? पत्रकार भाई, मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 दिन से आप भी लगातार इस चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम इस चुनाव को बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और जो जनता जनार्दन है वो पूरी तरह से अपना आशीर्वाद हमारे कैंडिडेट को श्री करतार सिंह बडाना को देने जा रही है, दे दिया है। देखिए, जब भी कांग्रेस की जमीन उसके पैरों के तले से निकलती है हमेशा उसके पास क्या रहता है, आरोप। ये पब्लिक का मन है, ऐसा आरोप लगाएगी तो पब्लिक का के लिए गलत कर रही है। पब्लिक अपना आशीर्वाद हमारे कैंडिडेट को दे रही है, उससे उनकी घबराहट है, उसकी बौखलाहट है। गाँव में गारा कहते हैं सड़क पर, किचड़ कहते हैं, कहीं 8 फुट की सड़क है, कहीं 9 फुट की सड़क। हमारे पास हाईवे हो, यहाँ से 500 मीटर में हमारे पास हाईवे हो, और हम ऐसे पड़े हैं जैसे कहीं उसमें पड़े हों किचड़ में।
दलदल में पड़े हों, जिसे दलदल कहते हों, ऐसे पड़े हम जैसे, और कोई रास्ता नहीं है, आठ आठ फुट के रास्ते हों, मेन रास्ता कितना बड़ा, कोई सड़क नहीं बनी। उधर काली मंदिर का रास्ता, काली मंदिर का पीर भी है वहाँ पर, ठीक है, नहीं वो भी रास्ता ख़राब हो रहा। दोनों रास्ते ही बनवाओगे, अगर बन गए, भगवान बनाओगे ना, अच्छे काम को सबके देते हो, करते हो, ठीक है नहीं। और भड़ाना जी एक ऐसा आदमी नहीं है जो पैसे को खा चला, उसके ऊपर तो लक्ष्मी की बौछार है, ठीक है नहीं, उसके पास दुनिया को फिर रहा है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद होता। हर काम में आपने देखा होगा, जैसे भाषण देता हो, दस दफे भगवान का नाम लेता हो वो आदमी, तो क्या वो ले जाएगा? तो सभी को वोट देनी चाहिए, क्या हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कोई क्रिश्चियन, सब एक ही हवा ले रहे हैं, एक ही पानी ले रहे हैं, एक ही रास्ते जा, सब भगवान खुदा का जा रहे हो, ठीक है नहीं। तो ये जरूरी है, ये बहुत अच्छा हमारा भाग्य जीता, ढाई साल की करे बात है, ढाई साल में देख लो, तजर्बा कर लो, अगर होगा तो खुद ही वोट दोगे, मांगने जरूरत नहीं पड़ने की, विकास चाहेगा लोगों को। गरीब आदमियों को मैं कहता हूँ रक्षा करना, किसी मेरी नहीं करना है, मुझे कोई कोई दलाली नहीं करनी, ना मुझे कोई शकल नहीं, आज पहले भी शकल भड़ाना जी की देखी है, ठीक है नहीं, मैं कोई उस तो मिला नहीं, मैं आपको मेरा मन आ गया यार, आदमी अच्छा काम हो जाएगा, ये सड़कें बन जाएगी, हम तो चले जाएंगे भगवान का, लेकिन हमारे जो पोते हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, ताऊ के फलाने के हैं, परिवार के, गांव के, वह तो ना फंसे यार, रास्ता भी नहीं है, साइकिल से जाएंगे क्या, स्कूटर से जाएंगे, वो रास्ता ही नहीं, आप तो किचड़ पर निकल कर तो देखना, अगर आपका स्कूटर चला है, गाड़ी ऐसे डोलती है। इससे पहले जो विधायक है उन्होंने कोई काम करी? कोई बहुत नहीं, हल्का काम किया जी, बहुत हल्का काम किया, कुछ किया नहीं, कोई बोर्ड दिखा दो मुझे एक भी, कहीं फोन में भेज दो बोर्ड कहीं से, इस पूरे उसका चार टंडा भर भरो कहीं हो, सबको लारा लगा कर वोट लेते हैं, हर दफो बोर्ड दिखा दो एक, नहीं लिखा होना चाहिए काजी जी का। आपने मन बना लिया पूरा? हाँ जी, हमने तो मन नहीं ठोक का बना लिया, पूरा ठोक का मन बना लिया हमने, वोट गिरेंगे बिल्कुल सवेरे गिरेंगे, हम तड़क में गिरूँ, मैं नहीं, मैं सवरी को गिरा भी नहीं करता, कोई जरूरत भी थी बुढ़ा आदमी में बेबी, हम अपनी मेरे पास वो भी है, आकर ले लिया, मेरी दस दबरी है, बीस दबरी है, देखो बेटे साथ एक इधर से देख लो, और मैं फिर भी मेरा सरदार सिंह बडाना जी का प्रोग्राम था। मेरा नाम नीसू चौधरी है, मैं एक्स आर्मी हूँ भगवानपुर चंदनपुर से ही, और अभी SBI बैंक में सेवा दे रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे गांव में बडाना जी का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, सभी बिरादरी के 36 बिरादरी का सबका सहयोग रहा, सबने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोग्राम किया गया, जबकि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। और बडाना जी से जैसा मैं मिला हूँ, बडाना जी बहुत ही सच्ची आत्मा, मैं बोलता हूँ बहुत ही सच्ची आत्मा, उनके चेहरे पर कुछ नहीं, जो चेहरे पर वही अंदर सब कुछ वही है, और वो हमसे एक वादा कर गए हैं कि ये रोड में 13 तारीख के बाद जैसे ही आचार संहिता हटती है मैं इसको खुद बनवा दूंगा, ये उन्होंने वादा किया। यही रोड की एक मेन हम समस्या हमारे गांव की, कि हमारे गांव में कोई भी तीन एंट्रेंस मेन है, कोई भी मेन एंट्रेंस हमारा ऐसा नहीं है जिससे हम अच्छी तरीके से घुस पाएँ, और खुद मंत्री जी बोल गए कि यार घर तक जाकर रास्ता भी सही नहीं आ रहा मेन रोड से, तो फिर तो गाँव बहुत बैकवर्ड, तो उस हिसाब से मेरे को बैकवर्ड लगता है मेरा गाँव, कि भाई उस हिसाब से जैसे मैं बाहर रहा हूँ, नौकरी की है फौज में, वहाँ के लोगों के रोड सब सुविधाएँ थी, वो जन सुविधाएँ यहाँ पर कम हो पाई हैं, कम उस हिसाब से विस्तार जिस तरह से होना था वो हो नहीं पाया, और अभी उम्मीद करते हैं कि इन ढाई साल में हम मंत्री जी को लाएंगे, और मंत्री जी अगर आते हैं तो हमारी जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो हम लोगों की है उसको पूरी करेंगे, और वो वादा करके गए हमसे, और वो बोल कर गए कि वादा तो मैं नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से सभी से कि वादा नहीं मैं तोड़ने का, जो किया वो करूँगा। प्रोग्राम में ये नाराज हैं वो ये लोग।